रहा भाई बैंकॉक में मैं, और ये रही अपने काम की चीज। जैसे कि आप कमेंट में बोलते रहते हो भाई आप कुछ भी खाते रहता है भाई, तो मैं कुछ भी खाने के लिए आ गया बैंकॉक में। और बैंकॉक में देखो भाई स्पेशली क्या क्या मिल रहा है भाई, इधर है ऑक्टोपस, इधर है बिग साइज स्क्विड, इधर है स्मॉल साइज स्क्विड, इधर है भाई ये ऑक्टोपस का ही कौन सा तो पार्ट है भाई, छोटा या बड़ा कौन सा पता नहीं है। देखते टेस्ट करके भाई ये हर एक वैरायटी है। इससे प्राइस पूछते इसका प्राइस क्या रहेगा और टेस्ट कैसा रहेगा मेरे को कुछ नहीं पता, क्योंकि इधर एक सॉसेस अलग है, इधर का पकाने का तरीका अलग है। अपन मसाले में ये सब पे कांदा टमाटर पेस्ट बना के पकाते हैं, लेकिन इधर थोड़ा पकाने का तरीका अलग है। ये देखो इधर आपको दिख रहा है मसाला इनका एक ही होता है, बस इसमें डुबो के डिप करके इसके ऊपर रख देंगे और ये पकाने छोड़ देंगे भाई। मतलब पता नहीं टेस्ट कैसा रहने वाला है, इन लोगों का टेस्ट कैसा होता है मेरे को भी नहीं पता। आज मैं खुद फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ, देखा जाएगा क्या होता है, या पेट एक तो खराब होता है या अच्छा होता है, या मैं खा पाऊंगा या नहीं, ये सब देखा जाएगा भाई। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं ले रहा हूँ इसलिए चारों जो पसंद आएगा वो खाऊंगा पूरा दबा के एकदम। आया तो भाई खाऊंगा भाई, मैं आया हूँ स्पेशली खाने के लिए। इधर देखो प्राइस तो लिखा हुआ है, इसको पूछने की जरूरत नहीं है। ये है 100 बात का और ये है, ये भी 100 बात का है बिग स्क्विड, और ये स्मॉल स्क्विड 40 बात का है, और ये ऑक्टोपस जो है वो है 60 बात का। मतलब समझ लो 100 बात यानी अपनी इंडिया के हो गए 280 रुपए। इस हिसाब से आप हिसाब लगा लो, तो ये तीनों चारों मिलके अपन दे रहे तो उसका हिसाब होगा अपने यहाँ पे 300 बात हो गया। और ये भी है 30 बात का, ये क्या है, व्हाट इज दिस भाई, ये क्या है ये पता नहीं, साफ स्नेक भाई यार, ये समझ नहीं रहा है तो ये क्या बोल रहे क्या नहीं। ये स्नेक तो नहीं है, ऑक्टोपस का ही है, बट इसका जो ऑक्टोपस का ये है ना भाई पाव, तो ये बड़ा वाला पाव है। इसको ये इसको भी ले लेते हैं भाई, चलो ये 5 चीजें ले लेते हैं, चलो डन कर दो। ये इनके सॉसेस है भाई, ये बस सॉसेस में ऐसे डिप करके इसके ऊपर रख देते हैं भाई, खाने के लिए दे देते हैं सीधा। ये देखो भाई 5 के 5 रख दिए भाई, 380 बात हो गए अपने इसके सबके। ठीक है भाई चलो जो भी है लगा दो, मेरे को तो खाने में एक्साइटेड हूँ मैं, पैसे तो नहीं दिख रहा यार जान दो यार। इसके ऊपर चीरा लगा रहे, दिखाओ भाई एकदम क्लोजअप से दिखा दो, चीरा लगा के इसके ऊपर थोड़ा मसाला वसाला छिड़कोगे। अरे इसको जो बोल रहा हूँ मैं समझ में नहीं आ रहा इनको, मसाला वसाला छिड़कोगे भैया तो मसाला छिड़को फिर दो मुझे। बाकी ये भाई जबरदस्त दिख रहा है एकदम, देखने में तो अलग ही दिख रहा है मेरे को। कट मार लिया भाई ये, इसको ऑक्टोपस का जो ये है ना स्क्विड का आगे वाला पार्ट अलग कर दिया, देखो कितना बढ़िया दिख रहा है वो बड़ा वाला एकदम। स्मेल तो बहुत गंदी आ रही है यार भाई, इसको थोड़ा ज्यादा पकाइयो नहीं तो मैं यार इधर नहीं मिक्स हो पाऊंगा तुम्हारे में, मेरा पेट भी नहीं मिक्स हो पाएगा इधर। वैसे भी मेरे भट्टी भाई बहुत सबसे अलग है, मेरा कुछ भी खाओ मेरा पेट खराब नहीं होता, तो इस हिसाब से मेरे लिए अच्छा है कुछ भी खाओ चलेगा। देखते हैं अभी इसका टेस्ट भी कैसा रहेगा। मेरे को तो मसाला लगाया हुआ दिख ही नहीं रहा है, बस ऐसी कच्चा कच्चा रोस्ट किया ऐसा लग रहा है भाई, है ना। ये भाई कहाँ फंस गया मैं, ये सब ले लिया मैंने, अभी खाना तो पड़ेगा, लिया है यार पता नहीं यार कैसा टेस्ट रहेगा। इसको देख के मेरे को लग रहा है भाई एकदम अलग, अपन मसाले में खाए हर एक चीज, ये कम मसाले एकदम बिना मसाले मतलब ना के बराबर समझ लो इतने मसाले इसमें भाई। ये रेडी हो गया है अभी, जैसे मेरे पास आते जाएगा मेरी धक बढ़ती जाएगी ऐसा हो रहा है मेरे को भाई। लेकिन कुछ भी बोलो नजारा देखो भाई क्या जबरदस्त है, एकदम जबरदस्त व्यू के साथ भाई मजा आ रहा है। इधर गर्मी थोड़ी ज्यादा होती है दिन में, बट इधर सब रात में ही चालू हो जाता है खाना पीना ये सब, और भी बहुत कुछ सब दिखाएंगे आपको, वीडियो को एंड तक बने रहो। और ये पूरा मंथ हम इधर ही एक्सप्लोर करने वाले भाई, स्टे ट्यून, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आने वाले, ये तो अभी शुरुआत है। तो भाई देखो इधर सब आ गया है और इसके साथ स्पाइसी वाली चटनी भी आ गई है। ये देखो भाई मैंने बहुत बार देखी है चीनी ये सब की वीडियो में, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं इसको भी टेस्ट करने वाला हूँ भाई। स्मेल तो पकाने के बाद भाई बहुत बढ़िया आ रहा है, एकदम तंदूर वाला स्मेल आ रहा है। चलो तो इसको ऐसे डिप करके स्पाइसी चटनी में खाते हैं। वाओ जबरदस्त, बस यार इसको थोड़ा कच्चा रखा है इन्होंने, बट टेस्ट लाजवाब है।
मतलब चबाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, बट तंदूर का टेस्ट जो आ रहा है ना भाई, लाजवाब। ये देखो भाई इसके पाव है, अभी ये टेस्ट करेंगे भाई, इसको डुबाएंगे चटनी में पूरा और एक ही बाइट में इसको खा जाऊंगा मैं। ये देखो ये जो पाव है ना, इसको एक बाइट में खाऊंगा। ये तो टेस्ट करके हो गया आप ना, अब इसको करते हैं थोड़ा साइड में। नहीं अभी ये खाएंगे भाई, ये छोटे छोटे वाले ऑक्टोपस देखो भाई, इसमें चार ऑक्टोपस थे इधर तक थे, अभी इतने छोटे से हो गए। अब इसको एक बाइट में खा जाओ भाई, बोला मैं क्या करूँ, एक बाइट में खा जाऊँ? खा जा। चलो भाई एक बाइट में इसको फिनिश कर दूंगा। मन कर रहा यार इधर ही रह लूँ, इतना बढ़िया टेस्ट है, चटनी तो ला जाओ आप। ये देखो भाई बहुत मुश्किल से पकड़ा है मैंने, जो लास्ट में लिया था ना 20 या 30 40 बात का वो वाला, ये इसको खा दे चलो। इसको मतलब जब स्टार्टिंग में मैंने खाया ना टेस्ट समझ नहीं आया, बस तंदूर का टेस्ट आया, लेकिन जब चबाना चालू किया ना तो टेस्ट आने लगा भाई एकदम। ये भी मस्त है। अभी अपना रह गया भाई जरूरी, ये पता नहीं क्या है भाई, ऑक्टोपस का एक ऐसा बड़ा पार्ट है भाई जो मैंने आज तक नहीं देखा, मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ ये। ये देखो भाई उन्होंने बोला सब ये ऑक्टोपस का ये वैरायटी, स्क्विड ये सब समझ लो सब। चलो इसको टेस्ट करते हैं। नाइस। चबाया नहीं जा रहा यार, बहुत कड़क है। भाई ला जाओ टेस्ट यार, सच में भाई मजा आ गया, दिल खुश हो गया मेरा तो। चलो भाई इसको बैठ के ऐसे आराम से खाता हूँ, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगेगा, चबाना बहुत पड़ रहा है यार। बाकी अगर रही टेस्ट की बात ना भाई, ला जाओ यार, मतलब जो सी फूड खाते ना भाई, जो सी फूड लवर है ना ये इसको बहुत जरूर खाएगा इधर आने के बाद, बट थोड़ा सा कच्चा मिलेगा, बट कच्चे का बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा भाई। ये जो टेस्ट आ रहा है ना पूरा तंदूर का और ये स्पाइसी चटनी आ रहा है, एकदम लाजवाब टेस्ट है, एकदम यूनिक टेस्ट है भाई, सच में भाई एकदम मज़ेदार टेस्ट, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया भाई। क्या आपको ऐसा कुछ पसंद है भाई कमेंट में बताओ, और नेक्स्ट डिश मैं इधर कौन सी खाऊँ वो भी कमेंट में बताओ भाई, मैं वो खा लूँगा। तो बस गाइस यही तो आज का धमाकेदार वीडियो, वीडियो करते यहाँ पे खत्म, वीडियो हो रहा है बहुत बड़ा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अपने फेसबुक पेज पे नहीं हो तो फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वह इसी बीच में रहते हो नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और ये मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है, अगर इस पर मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार मिला तो मैं और कंट्रीज में जाके आपको उधर का अलग अलग फूड दिखाऊंगा भाई, याद रखना। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए कांदा।